अमली को नाजरीन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अप्रैल में एक सेकंड अमेंडमेंट सेकंड टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस प्रेजेंट किया था और बहुत ज़बरदस्त पैकेज दिया था, उस पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी और आज मैं उसके सेलिएंट फीचर्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगा और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। आप देखेंगे कि ये कितनी बड़ी स्कीम है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। आप अगर कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट या इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। स्टे विद मी, आप देखेंगे कि क्या क्या टैक्स रिलीफ दिए गए हैं, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा और आप अपनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इसकी डिटेल्स जो आपसे शेयर करता हूँ विद सम टेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए और इसके सीलेंट फीचर आप अप्लाई कर सकें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर 2020 है। उससे पहले पहले आपको ये अप्लाई करना ज़रूरी है ताकि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकें। तो मेरे साथ स्टे कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, एक एमनेस्टी स्कीम है और ये बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए अनाउंस की गई है 17 अप्रैल 2020 को और इसमें टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था 2020 और उसमें ये स्कीम डिटेल से डिस्कस की गई है। और अभी हम डिस्कस करते हैं कि जी इसके की फीचर्स क्या हैं। जी आते हैं जी की फीचर्स के ऊपर। मैं जस्ट स्किप करूंगा बाकी डिटेल्स क्योंकि मैं वो ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ जो मैंने अप्रैल में बनाई थी और डिटेल्स के लिए आपको सेक्शन बाय सेक्शन अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो वहाँ आप देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट जी कि इसमें फिक्स टैक्स रिजीम दी गई है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए, ठीक है। और उसका तरीक़ाकार यह है कि जो टैक्स लाइबिलिटी है वो पर स्क्वायर फिट या पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी और वो क्वार्टरली इन इंस्टॉलमेंट्स पे की जाएगी, ठीक है। और उसके लिए एलिजिबल हैं न्यू प्रोजेक्ट्स या एग्जिस्टिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स, दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगली चीज़ यह है, इसके लिए अप्लाई करना ज़रूरी है बिफोर 31st of December 2020, यानी इस साल कैलेंडर ईयर के एंड तक उसमें अप्लाई करना ज़रूरी है और FPR पोर्टल पे उस प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना भी ज़रूरी है। उसके बाद ये जी अनफिनिश्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मैंने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो पहले ऑलरेडी चल रहे थे और उन्होंने अब डिक्लेयर करना है कि उनके कितने परसेंट कम्प्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह सकते हैं जी 30% कम्प्लीट है, 70% हमने आगे कम्प्लीट करना है, तो 30% जितना कंप्लीट हो चुका है वो स्कीम में नहीं आएगा, 70% जो है वो स्कीम में आएगा। और अगली शर्त ये है कि जी प्रोजेक्ट जो भी आपने यहाँ रजिस्टर किया है इस स्कीम के तहत वो 30 सितंबर 2022 से पहले पहले या उस दिन तक कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगली इसमें जो बेनिफिट है वो ये है कि जी विदहोल्डिंग एजेंट नहीं होंगे, ये कंपनीज जो हैं ये विदहोल्डिंग एजेंट नहीं होंगी फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स, जो परचेज़ करेंगे ये बिल्डिंग मटेरियल्स सीमेंट और स्टील के अलावा उस पर ये टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे, एग्जम्पशन दे दी गई है, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई सर्विसेज ले रही है ये कंपनी तो उस पर भी किसी किस्म की विदहोल्डिंग नहीं की जाएगी, सिर्फ अगर कंपनी से कोई सर्विसेज ली जा रही हैं तो उन पर विदहोल्डिंग होगी। और अगला ये है कि जी आप जो टैक्स पे करेंगे उसका 10 times आप अपनी इनकम शो कर सकते हैं, यानी उसके 10 गुना ज़्यादा आप अपनी इनकम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे और वो आपके लिए एक लीगल वाइट मनी होगी।
नेक्स्ट ये है कि जी अगर ये कंपनीज उनमें से कोई कंपनीज जो है वो लो कॉस्ट हाउसिंग्स पे काम कर रही हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन था कि गरीबों के लिए लो कॉस्ट घर बनाए जाएं, तो उनके लिए 90% टैक्स एग्जम्पशन होगी, टैक्स लाइबिलिटी 90% कम हो जाएगी, लेकिन यानी उनको सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि जी बिल्डर या डेवलपर जो हैं जो डिविडेंड पे करेंगे उन पे कोई टैक्स नहीं होगा, और इस पे कोई किसी किस्म का जो विद होल्डिंग भी नहीं की जाएगी, यानी कि जो डायरेक्टर्स हैं या पार्टनर्स हैं जो विदड्रॉ करेंगे इसमें से पैसे, अपना प्रॉफिट शेयर, उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं होगी। ये तो थे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के केस में टैक्स बेनिफिट्स। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो एग्जेम्पशन है वो सेक्शन 111 या 111 111 सेक्शन जो है उससे भी एग्जेम्पशन है, ठीक है। और उसमें यह है कि जी जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी इस प्रोजेक्ट के लिए या ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए उनके ऊपर सेक्शन 111 अप्लाई नहीं होगा, यानी कि उनसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आपको पता है अगर कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी प्रोजेक्ट में तो आपसे पूछा जा सकता है कि जी ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका सोर्स क्या है, क्या ये डिक्लेयर्ड इनकम है या नहीं। अगर डिक्लेयर्ड नहीं है तो फिर ऑब्वियसली उसमें फिर फर्दर प्रोब होता है FBR की तरफ से, लेकिन इन कंपनीज इस प्रोजेक्ट के अंडर जो कंपनीज फॉल करेंगी उनके ऊपर 111 सेक्शन अप्लाई नहीं होगी। उसके लिए ये है कि जी सिंगल पर्पस कंपनी या AOP बनाई जाएगी, यानी वो बिल्डर कंस्ट्रक्टर या डेवलपर का सिंगल ऑब्जेक्ट लेके वो कंपनी रजिस्टर होगी, और ये 17 अप्रैल जिस डेट को ये ऑर्डिनेंस अनाउंस हुआ है उससे लेकर 31 दिसंबर 2020 के दरम्यान में रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी अगर कैश की फॉर्म में है तो क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए पेमेंट होना ज़रूरी है, जो नया बैंक अकाउंट खोला जाएगा कंपनी के नाम पे या फर्म के नाम पे उसके अंदर क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए पेमेंट होना ज़रूरी है, यानी कि या चेक के ज़रिए होगी, पे ऑर्डर है, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट है, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह, इस तरह की जो ऑनलाइन जो क्रॉस्ड वेरीफाइड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके ज़रिए पेमेंट होना ज़रूरी है, और ये भी 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले पहले इन्वेस्टमेंट बैंक में हो जानी चाहिए। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है लैंड की शक्ल में तो लैंड जो है वो किसी पार्टनर या शेयर होल्डर के नाम पे ऑलरेडी होनी चाहिए, यानी कि 17 अप्रैल 2020 से पहले पहले कम से कम किसी एक डायरेक्टर के नाम पे वो ज़मीन होनी चाहिए। और उसके बाद जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या तो कैश की फॉर्म में या लैंड की फॉर्म में, वो सारी की सारी इस प्रोजेक्ट के लिए ही इन्वेस्ट होगी, यूज़ उसी प्रोजेक्ट के लिए ही होगी, किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, ठीक है। और अगली शर्त जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि 30 सितंबर 2022 से पहले पहले प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना ज़रूरी है। और बिल्डर्स के केस में कंप्लीशन का क्या मतलब है कि ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ग्रे स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि छत यानी टॉप रूफ डल जानी चाहिए, ठीक है, जैसे एज पर प्लान, ठीक है। और डेवलपर के केस में लैंडस्केपिंग कंप्लीट होनी चाहिए, यानी वेरीफाइड भी हो जानी चाहिए लैंडस्केपिंग, और उसके बाद रोड्स तमाम जितने प्लान में शामिल थे वो सारे डल जाने चाहिए अब सब ग्रेड लेवल के, ठीक है। सेकंड शर्त इसकी, और थर्ड शर्त ये है इसके 50% प्लॉट्स जो हैं वो बिक जाने चाहिए, और कम से कम 40% जो इनकी सेल वैल्यू है वो रिसीव हो जानी चाहिए बिफोर 30 सितंबर 2022। तो ये अगर आपने ये शराइत पूरी की है तो आपसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पूछा जाएगा। और अब हम देखते हैं जी एग्जम्पशन फ्रॉम सेक्शन 111 ऑन परचेज ऑफ प्लॉट। अच्छा, प्लॉट के लिए क्या है जी, द प्लॉट इज परचेज बिफोर 31 दिसंबर 2020, कंप्लीट पेमेंट इज मेड थ्रू द बैंकिंग चैनल बिफोर 31 दिसंबर 2020।
पूरी पेमेंट हो जानी चाहिए। और इस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले पहले शुरू हो जानी चाहिए। अच्छा, फॉर बिल्डिंग्स, अब बिल्डिंग्स के लिए क्या है, और परचेजेस फ्रॉम अ रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, किसी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ये ख़रीदना ज़रूरी है, एंड बायर इज़ द फर्स्ट परचेजर ऑफ द बिल्डिंग। अब ज़ाहिर है इस प्रोजेक्ट के तहत जो बिल्डिंग्स बनेंगी उसके जो फर्स्ट परचेजर है उससे भी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। परचेज इज मेड बिफोर 31st of September 2022। यानी आप जो परचेज़ जो है वो जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट है 30 सितंबर 2022 उससे पहले पहले आपने इसको ख़रीदना है अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं इसके लिए, ठीक है। और सारी पेमेंट जो है वो थ्रू बैंकिंग चैनल, जैसे ऊपर मैंने डिस्कस किया है, उसके मुताबिक होना ज़रूरी है। अच्छा, अब किन किन लोगों के लिए सेक्शन 111 की एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है, वो हैं जी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, जो भी लोग पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं वो नहीं कर सकते, पब्लिक कंपनीज नहीं कर सकती, रीट कंपनीज जो हैं REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो हैं वो नहीं कर सकते, एंड कंपनीज हुज इनकम इज एग्जेम्प्ट, यानी जिनकी इनकम ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है वो भी इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अगर ये प्रूव हो जाए कि आपने जो रकम है ये क्राइम से कमाई है तो तब भी आप सेक्शन 111 में फॉल नहीं करते। आप देखते हैं जी इसके अलावा और क्या चीज़ है। वन टाइम एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ पर्सनल अकोमोडेशन ऑफ साइज अप टू 500 square yards हाउस और 4000 square feet अपार्टमेंट। अगर हाउस है तो 500 स्क्वायर यार्ड तक फर्स्ट टाइम जो परचेज़ है वो उसकी उस पर कैपिटल गेन की भी एग्जेम्पशन है, या अगर फ्लैट है या अपार्टमेंट है तो 4000 स्क्वायर फिट तक की अपार्टमेंट अगर आपने परचेज़ किया तो उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कैपिटल गेन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी कि आपका एग्जेम्प्ट होगा कैपिटल गेन। उसके बाद अगर आप प्लांट इसके लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, प्लांट या मशीनरी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर हैज़ बीन गिवन एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टेटस, तो कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट के तहत जो कंस्ट्रक्शन होगी या अदरवाइज भी जो कंस्ट्रक्शन को एज एन इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया गया, जो एक डेफिनेशन थी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की, उसमें कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ठीक है, सेक्टर्स को भी शामिल कर दिया गया है। दी एडवांस टैक्स ऑन ऑक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 10% to 5%। और अगर ऑक्शन होती है ये प्रॉपर्टी तो उसके ऊपर जो एडवांस टैक्स था वो 10% होता है, आपको पता है ऑक्शन के ऊपर, वो भी रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। और उसके अलावा जो CVT है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर और जो शेयर्स के ऊपर CVT है ये भी एग्जेम्प्ट कर दी गई है, विड्रॉ कर दी गई है ICT। तो ये थी जी जीता जीता जो फीचर्स हैं जो इंडस्ट्री स्कीम है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए रिलीफ पैकेज जो दिया गया है उसके हवाले से। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा काजी को इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।